हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैंने एक हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बनाया था वेस्ट कपड़ों से। तो उसमें से जो है कुछ कपड़ा मेरे पास बच गया है, थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि मैं इससे एक बैग तैयार कर लूँ। तो आज मैं एक बैग बना रही हूँ कपड़े का, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, वॉशेबल है। सब चीज़ आजकल आप बाहर जाते हैं तो बाहर के बैग, पॉलीथीन वगैरह घर में ना लाएँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। तो मैंने ये कपड़े का बैग जो बनाने की सोची है, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें कपड़ा लिया है, ये मेरे पास वेस्ट कपड़े बचे थे, तो इसमें मैंने ये दो पीस काट लिए 16x18 के। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है 16x18 का। ये मेरे पास इस तरह से पीस पड़े थे तो मैंने 16x18 का लिया। अगर आपके पास बड़ा पीस है तो आप इसको 18x32 का भी ले सकते हैं। तो ये दो पीस मैंने इस तरह से काट लिए हैं। इसके लिए मैंने एक लाइनिंग ली है 32x18 और उसके अंदर मैंने ये फॉर्म ले लिया है उतना ही बड़ा। पॉकेट बनाएंगे हम इसके अंदर से, उसके लिए ये मैंने लाइनिंग ली है और ये कुछ पट्टियां काट के रख ली है मैंने 3.5x26 की। ये हम बैग की तनी बनाएंगे और ये अंदर से हम इसके चारों तरफ पट्टी लगाएंगे ताकि जो धागे वगैरह निकल रहे हैं वो ना निकले और मजबूत बैग बने। तो चलिए बनाते हैं बैग। तो देखिए, ये मैंने दोनों टुकड़ों को बीच में से जोड़ दिया है और अब इसको मैंने ऊपर बीच में फॉर्म और नीचे लाइनिंग का कपड़ा इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे और कुछ सिलाई हम इसकी ऐसे में और ऐसे में करेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैं इसमें सिलाई कर देती हूँ, इसको इस तरीके से पकड़ के इसके साथ फिक्स कर देना है। तो ये मैंने इसमें सिलाइयां लगा ली है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ताकि फॉर्म जो है सेट हो जाए। अब हमने इसमें पॉकेट बनानी है, तो पॉकेट बनाने के लिए मैं यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर लूंगी। ये मैं 3.5 पे इस तरीके से निशान लगा के इसको कट कर लूंगी। मैंने एक पीस ये काट लिया, एक ये। अब यहाँ पर चेन लगेगी। पॉकेट बनानी है अंदर से, तो पॉकेट बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इस तरीके से अंदर से कपड़ा अटैच करना है इसमें। तो मैं उतना ही कपड़ा ले लूँगी जितनी बड़ी मुझे पॉकेट चाहिए। मुझे चाहिए इतनी बड़ी पॉकेट, आज जहाँ तक बैग फोल्ड होगा इस तरीके से। तो मैं इसको एक सिलाई ऐसे करके यहां से लगा दूंगी और एक सिलाई जो है इसकी यहाँ पे चेन आएगी, चेन से ऊपर इस तरीके से मैं इसमें सिल लूंगी। तो पहले हम चेन लगा लेंगे, उसके बाद हम पॉकेट तैयार करेंगे। ये चेन है, इसको खोल लीजिए। इसको ऐसे उल्टा रख लीजिए और इस पे अटैच कर लीजिए इस तरीके से। अब ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ पे लगाइए ताकि जो है चेन अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है और ये एकदम से बैठ गई है चेन। अब ये इसका जो दूसरा सिरा है इसको हम इस पे अटैच करेंगे इस तरीके से, और फिर इसको सीधा करके एक सिलाई हम इस पे लगाएंगे।
देखिए ये चेन लगा के मैंने तैयार कर ली है। अब हमें बनानी है पॉकेट। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करके एक इस तरीके से कपड़ा लीजिए और चेन के ऊपर इसको इस तरीके से एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक मार लीजिए और एक सिलाई इसको फोल्ड करके इस तरीके से एक सिलाई यहाँ से यहाँ मार लीजिए। अब देखिए ये मैंने जो है एक पॉकेट इसकी इस तरीके से तैयार कर ली है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब इसको बंद करके हम सबसे पहले जो है इसकी तनी बनाएंगे। तो तनी बनाने के लिए जो है ये मैंने दो पीस लिए हैं 3.5x26 इंच के। तो इसको हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे, इस तरीके से तैयार कर लेंगे। एक सिलाई यहाँ लगाएंगे एक सिलाई यहाँ लगाएंगे। अब ये मैंने दोनों तनिया बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इसको सेंटर पॉइंट लेंगे। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट लेके हम क्या करेंगे, 3-3 इंच या 3 या 3.5 की दूरी पे हम इसको एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे। फिर इसको हम इस तरीके से दोनों साइड पे सिल देंगे, यहाँ पे ऐसे हम पीछे की साइड भी करेंगे। ये मैंने इस तरीके से इसकी बेल्ट को जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे चेन। तो इस तरीके से मैं चेन लगाऊंगी। ये मैंने चेन लगा दी एक साइड पे। अभी ये इसको पलट के इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तनी को जो है अब हम ऊपर की साइड करेंगे ताकि जो है तनी अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे इसमें तनी को ऊपर करते हुए। ये मैंने एक साइड की चेन लगा ली है, तैयार कर ली है। अब हम इसको उल्टा करके दूसरी साइड इसको इस तरीके से फिक्स करेंगे। ये मैंने दूसरी साइड की चेन भी इस तरीके से सिल दी है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरीके से और फिर इसको भी हम तनी को ऊपर करके यहाँ से तनी को ऊपर करके और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमने जो है ये दोनों साइड से चेन इस तरीके से लगा ली है। अब बारी है बैक को साइड से सिलने की। तो हम बैक को उल्टा कर लेंगे। हमने बैक को उल्टा कर लिया है। अब हम बैक के दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब मैंने ये दोनों तरफ से उल्टा करके सिल लिया है, लेकिन जो है इसमें धागे निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसको पक्का कर हम जो है ये पट्टी इसमें इस तरीके से ऐसे करके लगा देंगे ताकि जो है ये अंदर से भी मजबूत रहे। इसके धागे निकलेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको अंदर से मजबूत करने के लिए हम इस तरीके से दोनों साइड में पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों साइड से बिल्कुल मजबूत कर दिया। अब ना धागे निकलेंगे और ना इसका फटने का डर रहेगा। देखिए कितना अच्छे से मैंने मजबूत कर दिया है। अब इसकी लास्ट बारी ये है, बैग तैयार होने वाला है। इसमें क्या करना है, हमने अब 2.5 इंच यहाँ से लेना है, 2.5 या 2 इंच ले लीजिए आप, 2 इंच यहाँ से लेना है और 2 इंच यहाँ से लेना है और एक निशान लगा लेना है इस तरीके से दोनों साइड पे, 2 इंच यहाँ से 2 इंच यहाँ से। इस तरीके से हम ये निशान लगा के इसको कट कर देंगे, इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड से काट लेंगे। ये देखिए हमने ये दोनों साइड से काट लिया। अब इसको जो है हम इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। ये देखिए अब मैंने ये
दोनों साइड सिलाई लगा के इसका बेस तैयार कर लिया नीचे का। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लीजिए इस तरीके से। ये देखिए गाइस कितना अच्छा बैग बन के तैयार हो गया, डबल जिप वाला। ये देखिए ये एक एक जेब यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल बन गया बाजार जैसा। तो देखिए गाइस कितना सुंदर बैग बन के तैयार हो चुका है हमारे वेस्ट कपड़े से। तो मैंने इसको डबल जिपर बनाया है, एक तो मैंने आगे फ्रंट पे इसके लिए पॉकेट बनाई है इस तरीके से, और एक जो है ये मैंने दूसरी पॉकेट बनाई है। अगर आपके पास जिप नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बस ये है मेरा बैग जो कपड़ा था वो बहुत हल्का था इसलिए मैंने इसमें फॉर्म लगाया। आप चाहें तो मोटे कपड़े में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास जिप नहीं है तो आगे की जिप ना लगा के, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है जिप की, आप ओपन बैग भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल बैग है, इसको आप वॉश कर सकते हैं, कहीं भी जाइए इसको ले जाइए, देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बना है। तो गाइस कभी भी आपके पास कोई वेस्ट कपड़ा हो, सूट का कोई बेकार कपड़ा हो, कोई पुराना सूट हो, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं, उसको फेंकिएगा मत। घर में ही यूज़फुल चीज़ें बन सकती हैं, आप उनका सही से उपयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।